इन सारे घरों को भी आप अगर देखेंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। भारत के किसी भी गांव में जाइएगा तो जैसा रूप दिखता है एक गांव का, मुझे वैसा ही दिख रहा है। उसकी मम्मी कपड़े धो रही है और वो लड़की उसी पानी में खेल रही है। तो मेनू पे क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी है, ये खा के बच्चे लोग खुश हो जाएंगे यार। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इस जगह पे जिस स्लम का नाम है सोएटो, और इस जगह नाम काफ़ी सुना था लेकिन आज तो उतना स्लम घूमने के लिए नहीं आया हूं। आज तो यहां पे आने का कारण दूसरा ही कुछ है। आइए बने रहिए वीडियो पे, आप लोगों को दिखाता अभी हूँ। Yeah, my name is Shigen Rashid and I'm a resident of this place. This place is called Soweto. Soweto is under Jinja City. It's among the slums of Jinja City. Most of the people who live here not privileged and they need a lot of support. And most of the houses here, they are mud, as you can see. They are mud houses. तो अभी तो हम लोग स्लम्स के अंदर है। काफ़ी देर हो चुका है यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा बातचीत किया और अभी खाना बनाया जा रहा है। यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा और थोड़ा इस स्लम एरिया को, इस गांव को घूम के देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाता हूँ इस जगह का हालचाल। पहले तो काफ़ी सारे स्लम्स मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ और ये और एक है नया जगह। आइए मेरे साथ रहिए और आप लोगों को समझाता हूँ इस जगह के बारे में। ये जो स्लम है ना, ये मुझे दूसरे बाकी स्लम्स के मुकाबले काफ़ी साफ सुथरा लगा। देखो ये जो घर है ये तो मिट्टी से ही बना गया है, मिट्टी लेप के ही इसका दीवार बनाया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे वेल ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ा सा साफ सुथरा लग रहा है ये वाला स्लम। इन सारे घरों को भी आप अगर देखेंगे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, बुरा नहीं है। हमारे देश में गांव के तरफ अगर जाएंगे और अगर आप गांव में रहते हो तो ऐसा रूप गांव में देखने को मिलता है भारत में काफ़ी सारे जगहों पे, है ना। मुझे तो ये स्लम लग नहीं रहा है उतना, मुझे ज़्यादा ये गांव लग रहा है। भारत के किसी भी गांव में जाइएगा तो जैसा रूप दिखता है एक गाँव का, मुझे वैसा ही दिख रहा है। छोटे छोटे घर, मिट्टी से बना हुआ लकड़ी का दरवाज़ा, ये सब देख के भारत का कोई गाँव का याद आता है। और मुझे सामने दिखाई दे रहे एक मोहतरमा कपड़े धो रहे हैं। देखो प्लास्टिक की गमलों पे ऐसे कपड़े धोते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई तो है नहीं, पानी है नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े बकेट्स में ये लोग पानी लाके कपड़े धोते हैं। यहाँ पे रहन सहन उतना आसान नहीं है और पानी का समस्या तो हर एक स्लम्स में होता ही है, लेकिन फिर भी ये लोग मैनेज करते हैं, थोड़े थोड़े पानी इस्तेमाल करके अपने कपड़े वगैरह धोते हैं। और इस छोटी सी बच्ची को देखो, उसकी मम्मी कपड़े धो रही है और वो लड़की उसी पानी में खेल रही है। तो यहाँ के लोगों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट तो हो चुका है। अब इस जगह पे आया हूँ जहाँ पे खाना पकाया जाएगा और आप लोग यहाँ का हालचाल देखो, बच्चे लोग बैठ के खाना पकाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। ये बच्चे लोग यहाँ पे केले के छिलकों को उतार रहे हैं क्योंकि बटाकू नाम का कोई खाना होता है, अफ्रीकन खाना जो कि उगांडा में फेमस है, वो बनाया जाएगा। और यहाँ पे प्याज को काटा गया है और एक लड़की गाजर को काट रही है और यहाँ पे हमारे ये भाई आलू के छिलके को छीला जा रहा है। यहाँ पे खाना पकाने के लिए तैयारी जारी है। तो ऐसा कुछ हालचाल है यहाँ का, पूरे पिकनिक का माहौल है। तो चलिए खाना पकने दीजिए, खाना पकेगा और सब लोग मिलके एक साथ खाना एंजॉय करेंगे और फिर आप लोगों को लेके जाएंगे अफ्रीका के नए जगहों पे, नए टूर पे। तो पूरे गांव पे आज त्योहार का मौसम है, पूरे गांव एक साथ आके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं
और जोरों शोर से खाना पकाने की तैयारी चल रही है। वैसे तो खाना पकाना आधा हो भी चुका है, मैं जाके देखता हूँ कितना हुआ है। और देखो गांव का हालचाल देखो, बच्चे लोग जितने भी बच्चे लोग हैं सब आके यहाँ पे जुटे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खाना बनेगा और इन लोगों को दिया जाएगा। जाके देखता हूँ कितना दूर हुआ है खाना इन लोगों के लिए। तो ये भाई जो है चिकन काट के ये पे साफ कर रहे हैं और यहाँ पे देखता हूँ क्या चल रहा है। इस जगह पे देख रहे हैं सब्जियों को बॉईल किया जा रहा है, उबाला जा रहा है पानी में, शायद कोई सूप जैसा बनेगा या फिर दूसरा कुछ भी बन सकता है। एग्री व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दैट्स आयरिश। आयरिश इज गोइंग टू बी डीप फ्राइड आयरिश। ओके ओके, सो वी आर मैरिनेटिंग इट। ओके, इट्स नॉट मैरिनेटिंग, इट बॉइलिंग। I know that this gentleman wants to pour. You pour your body. Okay. Back to Kampala. Pilau masala. Pilau masala. Yes. Oh, nice. They make chicken biryani. चिकन बिरयानी? ओके, पूरा नहीं बना है लेकिन लगभग बन चुका है। लगता है कि और आधे घंटे में पूरा बन जाएगा और बच्चे लोगों को खिलाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। Happy pasta. Happy pasta. Say Happy New Year. Happy New Year. तो आप लोगों को तो पता ही है मैं दुनिया घूम रहा हूँ और अभी तक काफ़ी सारे कंट्रीज घूम भी चुका हूँ। पहले काफ़ी सारे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस आप लोगों को दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने देश से बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लोगों की जीवन यात्रा कैसी है, अगर वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ शायद ये बेहतर रहेगा। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसे वीडियोस और भी ज़्यादा बनाने की। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है तेल में ऑनियंस और टमाटर को तल के इसमें मसाला डाला गया है और इसको अच्छी तरीके से भून के इसमें शायद चिकन डाला जाएगा। मसालों का जो फ्लेवर आ रहा है इससे लग रहा है कि ये जो खाना बनने वाली है ये भारतीय खाना जैसा ही होने वाला है। दिस इज राइस पुलाव। Ugandan pulao, so sweet. Okay, Ugandan pulao. Yes, so nice. So people from India, I plan to make a restaurant. So. in where? Where? In Kampala. Kampala, India. Yeah. You wanna open an Indian restaurant? Yes. Okay. If you promise me that you're going to come and be my customers, then I open. Yeah, I will come. And I think I'm if you open an restaurant over here, Indian, and it is an Indian restaurant, I will definitely come here to taste your food. I'll be making chicken biryani, fish tikka, chicken tikka, everything. We put तो भाई बोल रहे हैं कि कंपाला में ये भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और मुझे इनवाइट किया, तो मैंने बताया कि अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट खोलोगे तो मैं तो ज़रूर आऊँगा यहाँ पे चिकन बिरयानी खाने। तो भाई देखिए यहाँ पे उगांडन स्टाइल में चिकन पुलाव बनाया जा रहा है। यहाँ पे मसालों को भून के उसके बाद चावल डाला जा रहा है, फिर चिकन ऐड किया जाएगा और बनेगा उगांडन पुलाव। Today we are celebrating Christmas with the community in Jinja called Soweto. Yeah, it's a pineapple. Pineapple, yeah. How do they call it in India? Anaras. 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 Sounds same. खाना लगभग बन चुका है और ये लास्ट आइटम है, लास्ट मेनू, और ये है फ्राइड क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो मेनू पे क्रिस्पी फ्राइड चिकन भी है, ये खा के बच्चे लोग खुश हो जाएंगे यार। तो फाइनली खाना बन चुका है और बच्चे लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, खाने का इंतजार चल रहा है बस।